और पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। दुर्गापुर में दिलीप घोष के सामने भिड़े कार्यकर्ता, दिलीप घोष के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष न्यू टाउनशिप इलाके में चाय पर चर्चा कर रहे थे, तभी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए और नेताजी से पिछले 10 साल का हिसाब किताब मांगने लगे। इसके बाद वहां हंगामा मच गया, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और फिर जमकर धक्का मुक्की हुई। अभी तो साधारण मानुष, आज के 15 लाख टाका अकाउंटे ढोकार कथा छिल कोथाय गेलो, आज के गैसेर दाम जेखाने 400 टाका छिल सेखाने आज के 1100 टाका गैसेर दाम, सेटा कि करे होलो? आज के आलुवालिया आज के 19 साले उनी प्रार्थी होयेछेन, आमरा एकबार ओनाके पाशे पाइनि, उनी आमादेर एखाने कि उन्नयन करेछेन? टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता ने कहा कि लोग यहां से सिर्फ हंगामा करने के मकसद से आए थे, उन्हें कोई सवाल नहीं पूछना था। দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাই গন্ডগোল হচ্ছে, এই করবে আর কিছু করতে পারে না, এত লোক দেখেছেন, দেখতে এসেছে আমাকে। और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में एनआईए की टीम पर हुए हमले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही रामनवमी पर दंगे की आशंका वाले ममता के बयान पर पलटवार किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एनआईए देश हित में काम करती है और बंगाल में बुआ भतीजा का एनआईए पर हमला करवाना कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी पिछले 3 सालों से ईडी सीबीआई पर हमले करवा रही हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एजेंसियों को रोक रही हैं। जिस तरीके से बुआ भतीजा ने एनआईए को अटैक कर रहा है, ये नया बात नहीं है। पिछले 3 साल से सीबीआई ईडी के ऊपर ये लोग हमला कर रहा है। 21 में जब अरेस्ट हुआ था कुछ लीडर लोग, तब ममता बनर्जी ने खुद निजाम पैलेस में धरना प्रदर्शन किया। राजीव कुमार का घर में जब रेड हुआ था, उन्होंने धर्मतला में धरना प्रदर्शन किया। इसका आदत ही है, जो बाद आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया ना धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी में, ये भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के लिए सेंट्रल एजेंसी को रोक रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर उन आरोपों का भी पलटवार किया जिसमें ममता ने रामनवमी के मौके पर बीजेपी पर दंगा कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। जब सनातनी का त्योहार आता है, ममता बनर्जी ने खुद पिछले साल आग लगाई। और बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी की जिन्ना से तुलना करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि ममता बंगाल में हिंसा को जायज ठहरा रही। लगातार झूठ में भ्रम पैदा कर रही हैं ममता बनर्जी। 21वीं सदी की नई जिन्ना बन के उभरी है, जिन्हें जय श्री राम से, सनातन से, हर चीज से बदबू आ रही है। भारत के न्याय व्यवस्था इंस्टीट्यूशंस को भी वो टारगेट कर रही है। उन्हें चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही उन बेटियों की, जिन पर लगातार बलात्कार व हत्याएं बंगाल की धरती पर। और जब कोई जांच एजेंसियां वहां जांच करने के लिए आ रही हैं, आप उन पर हमले करा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, आप अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, दंगइयों को शरण दी जा रही है और वहां पर सरकार सुनियोजित पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हत्याएं कराई जा रही है। ये नए जिन्ना का अवतार है, 21वीं सदी के नए जिन्ना का अवतार है। आज टीएमसी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से शाम 4 बजे मुलाकात करने जा रहा है। पिछले हफ्ते भी 2 बार टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। टीएमसी का आरोप है कि जांच एजेंसियों के जरिए बंगाल में टीएमसी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आज वो चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे कि पिछले दिनों एनआईए ने गलत तरीके से बंगाल से 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। देश में इस समय चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे में मॉडल कोड और कंडक्ट के समय ये सब नहीं होना चाहिए। सीबीआई ईडी एनआईए एंड इनकम टैक्स को, सेंट्रल एजेंसी को जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रहे, ये ठीक नहीं है। और ऑलरेडी आप देखे हैं हेमंत सोरेन जी और अरविंद केजरीवाल जी, दोनों चीफ मिनिस्टर, ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर भी जेल में हैं और इधर भी बहुत सारे साजिश रचा जा रहा है। जो किया इतना दिन वो तो किया, लेकिन अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम ये सब एनआईए वाले बात, आईटी वाले, इनकम टैक्स
सीबीआई ये सब नहीं होना चाहिए, ये 4 जून के बाद फिर चालू होना चाहिए। ये गुजारिश हमने की और इलेक्शन कमीशन बोले थे कि वो एक्शन लेंगे।